चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक के बारे में। ये दृष्टि निकालता है आपका, ठीक है, और यूपीपीसीएस का जब प्रीलिम्स होता है तो उस समय निकालता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, वैसे ये बुक हमेशा सभी एग्जामों के लिए जरूरी है, फिर चाहे आपका सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी, या वनडे एग्जाम हो, जहां भी करेंट अफेयर्स का एक तरह से महत्वपूर्ण स्थान है, उन सब में महत्वपूर्ण है। तो चलिए, लास्ट में आप लोगों ने बात की थी, आपका जो भी आपके सम्मेलन हुए, समारोह हुए, उन्हें भी देख लिया हमने। अब बात करते हैं संधि और समझौतों को, 2019-20 में जहां भी जो भी हुए हैं संधि समझौते, उन्हें भी देख लेते हैं। इसरो VSSUT के मध्य समझौता, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और बुरला उड़ीसा के बीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मध्य इस प्रौद्योगिकी केंद्र में एक अंतरिक्ष नवाचार केंद्र की स्थापना हेतु सहमति पत्र हस्ताक्षर किए गए हैं। कब? 25 अगस्त 2020 को, 25 अगस्त 2020 को। फिर आप देखेंगे मुंबई शहरी परिवहन परियोजना थर्ड हेतु समझौता हुआ है। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIC के मध्य मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता और सेवा गुणवत्ता सुरक्षा में सुधार हेतु $50 मिलियन राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित किया गया। कब? ये हुआ है आपका 24 अगस्त 2020 को। फिर आप देखेंगे दिल्ली में स्मॉग टावर बनाने हेतु समझौता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कौन कैन नॉट ए कन्नौट प्लेस में एक स्मॉग टावर बनाने हेतु दिल्ली सरकार, IIT बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं 11 अगस्त 2020 के मध्य। फिर आप देखेंगे भारत मालदीव के मध्य समझौता हुआ है, भारत और मालदीव के, भारत और मालदीव के बीच आड़ू शहर सीनू में आयोजित एक ऑनलाइन हस्ताक्षर समारोह के दौरान मालदीव के आड़ू एटोल में 5 इको टूरिज्म में जोन के विकास हेतु एक अनुबंध हस्ताक्षर किए गए हैं। कब? 10 अगस्त 2020 को, ठीक है, भारत और मालदीव। फिर आप देखेंगे NHAI IIT दिल्ली के मध्य समझौता हुआ है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण और IIT दिल्ली के बीच अग्निम डेटा प्रबंधन प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। कब? 6 अगस्त 2020 को, 6 अगस्त 2020 को। फिर आप देखेंगे बांग्लादेश में नए विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु बैंकों के समूह के साथ समझौता हुआ है। रिलायंस पावर और जापान की ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी जेरा ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित ताप विद्युत उत्पादन परियोजना के वित्त पोषण हेतु बैंकों के समूह के साथ $642 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 31 जुलाई 2020 को। फिर आप देखें कि श्रीलंका को मुद्रा विनिमय सुविधा हेतु समझौता हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI हमारी केंद्रीय बैंक है, श्रीलंका को $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने हेतु श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, मुद्रा विनिमय समझौता वर्ष 2022 तक वैध रहेगा भारत और श्रीलंका के बीच। GEDCOL और NHPC के मध्य समझौता हुआ है। कुल 500 मेगावाट की क्षमता वाली फ्लोटिंग सौर परियोजना को विकसित करने हेतु ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 20 जुलाई 2020 को हुए हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे चेन्नई में डाटा सेंटर पार्क की स्थापना हेतु समझौता हुआ है। कहाँ? चेन्नई में हीरा नंदानी समूह की डेटा सेंटर अब कंपनी डेटा या डाटा डेटा सेंटर कंपनी योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ने चेन्नई में डेटा सेंटर पार्क की स्थापना हेतु तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जुलाई 2020 की बात है। इसराइल UAE के मध्य समझौता हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य हुए ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा की है। इस समझौते की घोषणा के साथ UAE पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने इसराइल के साथ समझौता किया है। फिर आप देखेंगे NLC इंडिया लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। NLC इंडिया लिमिटेड ने 5,000 मेगावाट की सौर
और तापीय ऊर्जा परिसंपत्तियों को विकसित करने हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन हेतु कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कब? 3 जुलाई 2020 को। ये 5,000 मेगावाट की सौर और तापीय ऊर्जा परिसंपत्तियों को, ठीक है। फिर आप देखेंगे भारत और नेपाल समझौता हुआ है। भारत और नेपाल के मध्य पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। 15 जून 2020 की बात है। इस समझौते के तहत भारत ने 2.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा भी किया है। आप देखिए कि इतना हम लोग मदद करते रहते हैं फिर भी ये उल्टा सीधा बोलता रहता है। अभी देखा था ना, बयान आया हुआ था। NIPER गुवाहाटी व HAL पुणे के मध्य समझौता हुआ है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और एवं अनुसंधान संस्थान और गुवाहाटी और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड पुणे के बीच 3D रोगाणु रोधी फेस शील्ड के बड़े पैमाने पर औद्योगिक विनिर्माण और व्यवसायीकरण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। जून 2020 की बात है। फिर आप देखेंगे PFC और NBPCL के मध्य समझौता किया गया है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ऊर्जा वित्त निगम ने मध्य प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए की 225 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजनाओं और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 26 मई 2020 की बात है। आप फिर देखेंगे NTPC और ONGC के मध्य समझौता हुआ है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के बीच अक्षय ऊर्जा व्यापार के लिए एक संयुक्त कंपनी बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 21 मई 2020 की बात है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता हुआ है। भारत और बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग के माध्यम से पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 20 मई 2020 की बात है। हस्ताक्षरित एक नए परिशिष्ट के तहत दोनों देशों के प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई? 10, यानी कि 10। पर आप देखेंगे भारत सरकार ADB के मध्य समझौता हुआ है। भारत सरकार और एशियन विकास बैंक के मध्य 1.5 अरब डॉलर राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित किया गया है 28 अप्रैल 2020 को। इसका उद्देश्य नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 महामारी से निपटने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आवश्यक सहयोग प्रदान करना, ठीक है। फिर आप बात करेंगे फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म फॉर्म्स लिमिटेड में करार। सोशल मीडिया क्षेत्र की कंपनी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने हेतु करार किए जाने की घोषणा की है। 22 अप्रैल 2020 की बात है। फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने 9.99% हिस्सेदारी खरीदने हेतु 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, ठीक है, याद रखिए। असम अंतरदेशीय जल परिवहन परियोजना हेतु समझौता किया गया है। भारत सरकार, असम सरकार और विश्व बैंक के बीच इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 88 मिलियन डॉलर राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 16 जनवरी 2020 की बात है। फिर आपने देखा होगा कि नागचला में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु समझौता हुआ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच मंडी जिले के नागचला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा विकसित करने हेतु नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया 15 जनवरी 2020 को। नांग नहीं, नागचला, नागचला। FIDF के मध्य प्रथम त्रिपक्षीय समझौता। मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष पर अमल हेतु मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार और नाबार्ड और तमिलनाडु सरकार के बीच प्रथम त्रिपक्षीय है, यानी कि तीन पक्ष इसमें शामिल है, समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए गए हैं। कब? 23 दिसंबर 2019 के मध्य। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में तीन तीन मत्स्य पालन हार्बर को विकसित करने हेतु नाबार्ड से 420 करोड़ रुपए का प्रारंभिक रियायती वित्त प्राप्त करने हेतु इस पहले त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये तीन मत्स्य पालन हार्बर मोधुन नगर और कुड्डालोर जिला, दूसरा है थारंग मप्दी नागा पट्टिनम जिला, फिर तीसरा है थिरु बुत्तियूर कुप्पम तिरुवल्लूर जिला में विकसित किए जाएंगे। बड़े अजीब नाम है इसके। फिर आप देखेंगे USMCA समझौता। अमेरिका मैक्सिको कनाडा ने मैक्सिको सिटी में USMCA
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कब? 10 दिसंबर 2019 को, 10 दिसंबर 2019 को। फिर आप देखें, यह नया समझौता 25 वर्ष पुरानी उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते नाफ्टा का स्थान ले लेगी। ठीक है, फिर आप देखेंगे फास्टैग को जोड़ने हेतु समझौता हुआ है। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने देश भर में एक समान इलेक्ट्रॉनिक ट्रोलिंग सिस्टम हेतु राज्यों को फास्टैग से जोड़ने के लिए अनेक राज्यों प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कब हुआ है? 14 अक्टूबर 2019 को। 1 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर संग्रह फास्टैग के माध्यम से किया जा रहा है। फिर आप देखेंगे डीआरडीओ जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में समझौता किया गया है। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय परिषद में विज्ञान और टेक्नोलॉजी हेतु कलाम सेंटर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया है। एकब 26 सितंबर 2019 की बात है। फिर आप देखेंगे गुजरात सरकार डेला वेयर में समझौता हुआ है। गांधी नगर गुजरात में पहली बार गुजरात सरकार और अमेरिकी राज्य डेलावेयर वेयर के बीच सिस्टम स्टेट हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। 5 सितंबर 2019 की बात है। गुजरात और डेलावेयर राज्य ने सहयोग के लिए जैव प्रौद्योगिकी, जैव विज्ञान और वित्तीय सेवाएं और पशुपालन, डेयरी और बंदरगाह सेवाएं जैसे क्षेत्रों की पहचान भी की है। तो ये थे आपके कुछ, क्या थे, संधि और जो भी समझौता होते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं, हम लोग संघ और संगठन को पढ़ेंगे।